अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। अच्छा, आज मुझे यहाँ पे शारजा, मैं सिर्फ शारजा के अंदर हूँ, इसको हार्ट ऑफ शारजा भी बोला जाता है, और यहाँ पे मुझे एक पाकिस्तानी भाई मिले हैं जो कि टोबा टेक्सिन से हैं, तो मैं उनका इंटरव्यू करूँगा और उनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वो आप लोगों से शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? नाम क्या आपका? मेरा नाम है हमाद सुलेमान। हमाद सुलेमान, हमाद सुलेमान, आप पाकिस्तान टोबा टेक सिंह से? जी, मैं टोबा टेक सिंह से। आगे पीर महल है शहर, वहाँ घर है। पीर महल ये गांव है, शहर है? ये अब तो तकरीबन तहसील बन चुकी है, शहर ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं आप, क्योंकि आप मुझे शारजा में मिले हो और आप पाकिस्तानी हो, तो डेफिनेटली आपकी एक स्टोरी होगी, आपने कैसे ट्रैवल किया, कैसे आप आए, सो मैं उसके बारे में आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। आप यूई में कितनी देर से हैं? जी, मुझे यहाँ पे 5 दिन हो गए हैं। क्या, 5 दिन? बस मतलब आज 7 है, तो आप 3 तारीख को आपने ट्रैवल किया? 1 मई 2023 की मेरी फ्लाइट थी। ठीक है, तो उस फ्लाइट से मैं आया हूँ। तो आपने कहाँ से फ्लाई किया? ये मैंने फ्लाई किया मुल्तान एयरपोर्ट से। मुल्तान एयरपोर्ट से, तो क्या मतलब किसी एजेंट के थ्रू आए हैं या? मैं एजेंट के थ्रू नहीं आया, मैं अपने तौर पे मैंने विजिट वीज़ा अप्लाई किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आके मुझे मौका मिला कि मैं जॉब के लिए सर्च। अच्छा, आपने विजिट वीज़ा अप्लाई किया और आपने सोचा मैं वहाँ पे जाता हूँ और मैं जॉब हंट करता हूँ? जी, वो मैंने फिर जॉब हंट की है। तो नहीं, मुझे यहाँ से जाना, जब आप मुल्तान से आए, किस एयरपोर्ट पर आया? मैं मुल्तान से दुबई एयरपोर्ट पे आया। दुबई एयरपोर्ट पे आया, तो आप पे वहाँ पे किसने रिसीव किया, कोई था या आप? साथ में भाई थे मेरे बड़े। ठीक है, कज़न लगते हैं मेरे वो। ठीक है, वो मेरे साथ थे, तो वहीं से हम आए। तो आप फिर इधर आ गए उनके पास? वो ऑलरेडी शारजा पहले रह रहे थे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए थे। तो फिर जब आप यहाँ पे आए, अभी तो आपको 5 दिन हुए हैं, ठीक है, और 5 दिन क्या मतलब पहली रात या दिन जब भी आप आए, आपने नेक्स्ट एक्शन क्या लिया? उसमें ये था कि मैंने पाकिस्तान से एक दो जगह पे मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, जॉब के लिए। ठीक है, तो इंटरव्यू था मेरा, लेकिन वहाँ पे हुआ ये कि मसला ये आया कि जिसको मैंने इंटरव्यू देना था, जिस कंपनी को, उसका बिजनेस बहुत स्माल था। ठीक है, ठीक, तो है। जिसकी वजह से फिर वो मेरा वहाँ पे काम नहीं बन सका। उनका बिजनेस था क्या? उनका था कि वो मोबाइल फ़ोन के वो कवर वगैरह सेल करते थे। ठीक है, तो जो मेरी जॉब थी, मैंने मास्टर अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर वेरी गुड, तो जो मेरी जॉब रिक्वायरमेंट थी वो कुछ ज़्यादा थी, वो सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते थे आई थिंक। ठीक है, तो इस वजह से मेरा इंटरव्यू तो क्लियर हो गया था। ठीक, लेकिन है, ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। तो मतलब उन्होंने आपको जॉब ऑफर कर दी, बट थोड़ा सा जो डिफ़िकल्टी थी वो आपकी रिक्वायरमेंट थी। जी जी, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक और जगह मैंने अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, इंडीड से। ओके, अप्लाई तो मैंने काफी। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। इंडीड, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी बताया था, इंडीड, डोबीजेल, ये यहाँ पे ऑनलाइन साइट्स हैं जहाँ पे आप जाके अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हो, जॉब हंट कर सकते हो, बहुत से लोगों को जॉब मिलती है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये बंदा मेरे बिल्कुल सामने है। इंडीड ऐसी, मेरे ख्याल से ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप एक दिन में 4 जॉब पे अप्लाई करोगे ना, उनमें से 3 से आपको रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। दैट्स रियली गुड। ओके, मैंने तकरीबन अगर 5 में अप्लाई किया ना, तो मुझे 3 में से यानी कि रिस्पॉन्स आया। ओके, तो वो फिर आगे मेरे पे था, वो मेरी लक थी। बिल्कुल, यहाँ पे मेहनत से ज्यादा इंसान की लक भी काम लक भी काम करती है, और आपका कॉन्फिडेंस तो वो तो बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस था, अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने जॉब अचीव की, तो अब इंशाल्लाह मंडे से मेरी जॉइनिंग है। वाओ, ग्रेट। अच्छा, जब आपका मतलब वो रिक्वायरमेंट आपकी मीट नहीं की, आपने सेकंड जॉब के लिए आपको इंटरव्यू कॉल आई, तो उसका प्रोसेस क्या था? आप गए, कितने स्टेजेस थे इंटरव्यू के? उनमें ये था कि सबसे पहले उनकी मुझे कॉल आई है। कॉल आने के बाद उन्होंने अपना लोकेशन सेंड की है, मैं वहाँ पे गया हूँ। तो एक उनके मैनेजर थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया है, तकरीबन 15 से 20 मिनट उन्होंने इंटरव्यू किया डिटेल में। ठीक है, तो फिर बाद में बॉस थे, उनके पास गया हूँ, वहाँ से फिर मैंने उनको इंटरव्यू दिया, उनकी रिक्वायरमेंट पे मैं पूरा उतरा हूँ। तो फिर उससे अगला जो मरहला था वो उनका भी यही था कि सैलरी की डिस्कशन। ओके, तो उन्होंने आज ही मुझे कॉल किया हुआ था। ठीक है, सैलरी की डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो मैं तकरीबन 12:30-1 बजे वहाँ पर पहुँचा हूँ, तो उन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशन पूछी, तो मैंने उनको वो बताई। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छी कंपनी है। Okay, जिस तरह मैं चाह रहा था उसी तरह उन्होंने मेरे साथ
रिस्पॉन्स। चले इस चीज़ के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा, अल्लाह आपको कामयाब करे और आपकी चीज़ें पूरी हो। सो अभी आप मंडे से ज्वाइनिंग देने जा रहे हो, ठीक है? आप एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हो, क्योंकि यूजली यहाँ पे लोग मुझे मिलते हैं उनको आइडिया नहीं होता जॉब फाइंड आउट कैसे करनी है। तो जो पाकिस्तान में भी, जो यूएई के अंदर भी लोग जो इस टाइम पे जॉब ढूंढ रहे हैं, आप क्या उनको क्या सजेस्ट करोगे? मैं यही कहूँगा कि अगर आपके अंदर एनर्जी है तो आप पाकिस्तान से ही जॉब हंट करना स्टार्ट कर दें। इंडीड पे चले जाएँ, लिंक्डइन पे चले जाएँ, डूबीजल पे चले जाएँ, ठीक है? तो इन प्लेटफॉर्म पर आप जाएँ, वहीं से आप स्टार्ट कर दें अपनी जॉब हंट करने के लिए। वहीं पे आप जॉब हंट करें, वहाँ से अगर आपको कॉल आती है विद इन एक दो दिन के अंदर आपको आना पड़ता है, ठीक है? ये कभी ऐसा नहीं हो सका कि आप वहाँ पे बैठे हो वहीं से आप कहें कि मुझे हर चीज़ मिल जाएगी, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन आपको विज़िट के लिए फिर भी आना ही पड़ता है। तो इंटरव्यू में आपकी स्टडी से ज़्यादा वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि ये बंदा आया कि इस कैटेगरी में काम करने के काबिल भी है या नहीं, बोल भी सकता है या नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं वो इंग्लिश से घबरा के वो कुछ बोल नहीं पाते। बिल्कुल, जब वो बोल नहीं पाते यहाँ पे आके तो उनका फिर मसला ये होता है कि उनके लिए जॉब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं, अगर आप बोलोगे तो फिर ही आपको जॉब मिलेगी ना। बिल्कुल, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसके बगैर यहाँ पे कुछ नहीं होता। लेकिन कम से कम आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। बेशक आपकी स्किल्स जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंग्लिश जहाँ पे भी जाओगे, कोई अच्छी कंपनी है उसका आपको इंटरव्यू इंग्लिश में क्लियर करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इतनी हौनो होनी चाहिए कि आप कम से कम उसको इंटरव्यू देने के काबिल। अभी आप अगर 4 to 5 वर्ड्स में, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, आप यहाँ की, क्योंकि अभी आप न्यू यहाँ पे, यहाँ की इन्वायरमेंट के बारे में कुछ भी फीडबैक देना चाहो, क्या बोलोगे? जी, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो यहाँ का इन्वायरमेंट है ना, इतना पीसफुल है, इतना पीसफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते। तरह तरह के हमारे भाई, इंडियन भाई, बंगाली भाई, मिक्स नेशनैलिटी है, आपको अच्छा फील होता है इन सब लोगों के अंदर रहते हुए इनके साथ मिलके काम करना। बहुत सारी अब मेरी अपनी कंपनीज में फिलिपिनो भी हैं, इंडियन भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं। तो इस तरह इनमें काम करने का और बंदे को सीखने को बहुत सीखने को बहुत कुछ मिलता है, एक दूसरे के त्यौहार का। तो एवरीथिंग ओके, ऑल इज गुड, ऑलराइट। सो ये बेसिकली हमें शारजा में मिले हैं और मैं इनसे लास्ट एक ही क्वेश्चन करूंगा कि मतलब, क्योंकि ये न्यूली पाकिस्तान से आए हैं, तो पाकिस्तान में मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं, बट यहाँ के रूल्स, यहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप है। आप मतलब यहाँ पे रोड क्रॉसिंग और इन सारी चीज़ों के बारे में आप क्या? ये मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे गाड़ी वाले से ज़्यादा पैदल चलने वाले की इज्जत है। एग्जैक्टली, ये जहाँ पे भी आप जाओगे, आप जब भी क्रॉसिंग पे जाते हो, वहाँ पे एक फुटपाथ है पैदल चलने वालों का। जितनी मर्जी बड़ी गाड़ी हो उसको भी आके वहाँ पे रुकना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पे रुकना पड़ता है उसको। इंसान की जान की बहुत, इंसान की कदर है, इंसान की कदर है। हर बंदे को पता है कि यार इंसान की वैल्यू क्या है। यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना अच्छा फील होता है यहाँ पे आके। सो मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि यूएई दुनिया में नंबर वन कंट्री है हर लिहाज से, आपकी जॉब को लेके, एनवायरनमेंट, लिविंग स्टाइल, फैमिली के साथ और ये सब। और अच्छा, अभी मैं वीडियो अपनी ऑलमोस्ट एंड करूँगा, ठीक है? तो फाइनली आप लास्ट पे कुछ कहना चाहोगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भाई मुझे यहाँ पे मिले हैं तो बड़ा अच्छा फील हुआ इनके साथ मिलके। तो आपकी तरह यहाँ पे सारे लोग बड़े फ्रेंडली हैं। ऑलराइट, तो मैं एंड पे कहना चाहूँगा कि ये जो भाई हैं, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पे वीडियोस बना रहे हैं। इनकी मोस्टली जो वीडियोस होती हैं वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं हर लिहाज के साथ। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि इनकी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इनके चैनल को और इनकी सर्विसेज से फ़ायदा हासिल करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ख्याल रखिए अपना।